हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। आज मैं आशीष केसरी आप लोग को डेली जीके में से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी गृहमंत्री द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है दोस्त वह की जाती है आपके ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा। जी हाँ दोस्त, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। जी हाँ दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश। अब बात आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश जो है वह पॉपुलेशन, जी हाँ दोस्त पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के हिसाब से मतलब जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्थात एरिया वाइज सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वह है राजस्थान। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग सार्क का पूरा नाम। तो सार्क का पूरा नाम है दोस्त साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्त, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्त, फिर से बता देता हूँ, सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है काठमांडू में। जी हाँ दोस्त, काठमांडू अर्थात काठमांडू कहाँ पर स्थित है, काठमांडू स्थित है नेपाल में। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, काठमांडू, या नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तथा सार्क के अंडर मतलब सार्क के अंदर आने वाले देश की संख्या कितनी है, वह है 8। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हाँ दोस्त विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC में, ऑप्शन सी आयरलैंड में या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। जी हाँ दोस्त, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्त, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अशरफ खैरियत खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक था वह था आपको ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान। जी हाँ जो सर सैयद अहमद खान जो थे जिनके नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया। जी हाँ जो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो नहीं, तो सबसे पहले दोस्त आप लोग ऑप्शन का करेक्शन कीजिएगा, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है तो आप लोग यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिख लीजिएगा, पहले करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था आपके ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्त, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी हाँ दोस्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1959 में अर्थात 69 में या ऑप्शन डी
1976 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त 1969। जी हाँ दोस्त, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, भार उसका बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, बी, भार घट जाता है। ऑप्शन सी, भार सामान्य अवस्था में रहता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए, भार क्रमशः बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगती है तो उसके भार क्रमशः बढ़ जाती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। जी हाँ, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को, मतलब सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है। आपके ऑप्शन से 7 मिनट 40 सेकेंड, दूसरा 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा 4 मिनट 46 सेकेंड, या चौथा 6 मिनट 5 सेकेंड। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो ये लगता है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। जी हाँ, जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ दोस्त, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, कैपिटल इकोनॉमी, ऑप्शन बी, सोशल इकोनॉमी, ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है सोशल, नहीं आपका ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात सोशल का आधा और कैपिटल इकोनॉमी का आधा। जी हाँ दोस्त, सोशल का आधा 1/2 तथा कैपिटल का आधा तथा सोशल इकोनॉमी का आधा, कुल मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन किसकी रचना है। जी हाँ, जो सेवा सदन किसकी रचना है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए, विश्वम्बर नाथ शर्मा, ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। तो सेवा सदन जो रचना है दोस्त वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ दोस्त, मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन रचना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। जी हाँ दोस्त, भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, महानदी, ऑप्शन बी, नील नदी, ऑप्शन सी, गंगा नदी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे पहली बहुदेशीय परियोजना का निर्माण हुआ था वह था आपके ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। जी हाँ दोस्त, महानदी पर भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। जी हाँ, भारत में सबसे गेहूं का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य सबसे बड़ा कौन सा है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, बिहार, या ऑप्शन डी, झारखंड। तो गेहूं का भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का उत्पादन करने में भारत में सबसे सर्वोत्तम है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्म बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्त, टर्म बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, स्विमिंग अर्थात तैराकी से, ऑप्शन बी, गोल्फ से, ऑप्शन सी, बेसबॉल से, या ऑप्शन डी, तीरंदाजी। तो जो दोस्त टर्म जो बटरफ्लाई है वह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर ए, स्विमिंग अर्थात तैराकी से संबंधित है टर्म बटरफ्लाई। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्त, विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, 1955 में, ऑप्शन बी, 1956 में, ऑप्शन सी, 1957 में, या ऑप्शन डी, 1958 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। जी हाँ दोस्त, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1955 में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो से रिलेटेड आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।